two charged spheres of radii 10 cm and 15 cm are connected by a thin wire. दो spheres हैं, एक का radius 10 cm है, दूसरे का radius 15 cm है. दोनों एक wire के ज़रिए से connected हैं. No current will flow if they have. No current will flow if they have same charge on each, same energy, same potential, same field on their surfaces. तो इन चारों options में से हमने देखना है कि correct option कौन सा है. Energy वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, charge के हवाले से बात हो सकती है या potential के हवाले से बात हो सकती है. तो एक का रेडियस कम है, एक का रेडियस ज़्यादा, दोनों का साइज़ डिफरेंट है. अगर दोनों पे सेम चार्ज होगा तो इसका मतलब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, एरिया डिफरेंट होने की वजह से. लेकिन हम इससे सिंपल केस की तरफ आते हैं. जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सेम पोटेंशियल. अगर किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल हो तो उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ओम्स लॉ के मुताबिक हम ये जानते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा. और अगर किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा. तो इस थिन वायर में से उसी सूरत में करंट फ्लो नहीं कर सकता दो स्फीयर्स के दरमियान अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो. सो करेक्ट ऑप्शन है सी, इफ़ दे हैव सेम पोटेंशियल. तो जब भी कोई एमसीक्यू करें तो आप देखें कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है. करंट फ्लो की बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, उस हवाले से देखें कौन सी टर्म आ रही है. तो इस तरह से किसी भी एमसीक्यू को ये देखते हुए कि कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है हल करना बहुत ही आसान हो जाता है.